कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम में शिरकत की। पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसानों का समय श्रम की बचत होने के साथ ही इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सहित अन्य केमिकल उर्वरक के मैनुअल छिड़काव से किसानों की सेहत को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। वहीं छिड़काव किए जाने वाले उर्वरकों इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की मात्रा कम लगेगी जिससे उपज की लागत भी कम रहेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 104 ड्रोन इस वर्ष लिए जाएंगे जिनमें से सभी चारों कृषि विश्वविद्यालयों 10 कृषि विज्ञान केंद्रों 14 आईसीआर रिसर्च सेंटरों 60 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को 50% अनुदान पर और 40 ड्रोन को एफपीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी को 40% अनुदान पर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने 30,000 सोलर पंप और 2100 राजकीय नलकूप लगाए जाएंगे जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। उनके सेहत को नुकसान पहुंचता है, इनसे उसको बचाया जा सकेगा। आज उत्तर प्रदेश के भीतर 104 ड्रोन हम लोग इस साल लेने वाले हैं जिसमें से सभी चारों कृषि विश्वविद्यालय को एक एक देंगे, 10 कृषि विज्ञान केंद्रों को देंगे और साथ में जो आईसीआर के हमारे केंद्र हैं उनको भी, उसमें से 14 आईसीआर के रिसर्च सेंटर्स को जाने वाले हैं।